आज मुझे आत्महत्या करने से बचाया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रही है भोजपुरी की क्वीन रानी चटर्जी। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो जान पाएंगे क्या है। पावर स्टार जो भी करते हैं वह दिल से करते हैं, चाहे वो दोस्ती हो चाहे वो दुश्मनी हो। रानी चटर्जी उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, लेकिन बता दें कि वह काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। उन्हें काफ़ी भद्दी भद्दी कमेंट इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आ रहे हैं। इससे उन्होंने कहा कि मैं डिप्रेस होकर मैं मरना चाहती हूँ, मैं आत्महत्या कर लूँगी, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही। इसी बीच पवन सिंह का एक गाना आया, साड़ी पके फोटो, पहले तो उसका पोस्ट आया जिसमें दूसरी हीरोइन यानी डिम्पल सिंह थी, लेकिन अचानक पवन सिंह ने जब रानी चटर्जी की इतनी प्रॉब्लम और इस कदर वो परेशान है यह सुन के उन्होंने थंबनेल को ही चेंज कर दिया, पूरी तरह से गाने के पोस्टर को से चेंज कर दिया गया और उस पर रानी चटर्जी की फ़ोटो लगा दी गई और उस पर लिखा गया स्पेशल थैंक्स रानी चटर्जी। तो इस बात से रानी चटर्जी काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उन्होंने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे पता है कि तुमने मुझे थैंक यू क्यों कहा है, मैं जानती हूँ मैं इतने मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ, इसीलिए आपने मुझे थैंक यू कहा है, मैं आपको थैंक यू कहती हूँ दिल से कि मेरे इस मुसीबत के समय में आपने साथ दिया। तो आप समझ सकते हैं कि उस मानसिक दौर से गुजरने के कारण रानी चटर्जी काफ़ी परेशान हो गई थी, लेकिन पवन सिंह ने उनका साथ दिया और साथ इस कदर दिया कि पवन सिंह और रानी चटर्जी की दोस्ती हमें फिर से देखने को मिली और शायद पवन सिंह ने किसी की जान बचा ली। तो हम तो ऐसे ही कहेंगे कि अगर पावर स्टार को आप दिल से चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूर कुछ कमेंट करें और रानी चटर्जी के लिए भी आप लोग कमेंट करें, क्योंकि देखिए किसी को परेशान करना हमें नहीं करनी चाहिए।